जानेमन नहीं मिल नहीं मिली आपकी जानेमन. जब आपकी जानेमन मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, धन्यवाद. क्या हो गया मैडम, आप ठीक तो है ना? मतलब इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं आप. किसी ने एकदम सही बात कहा है जीते, बांस के पेड़ पे आप वर्षा ऋतु का जल डाल दो या तिल मिलाती हुई धूप डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और हम है वो भावहीन और बुद्धिहीन पेड़ जिसमें आज तक मैडम सर का जज्बात घुस नहीं पाया. हमें पहुंचना उसकी सांस तक और उसका हृदय परिवर्तन करना उसकी सांस का. समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे करें. नहीं, जो इंसान आज तक अपनी पर्सनल सांस का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया वो दूसरे की सांस का हृदय परिवर्तन कैसे कर पाएगा? इसमें तो असंभव बातें. क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं पुष्पा जी, रोज आपके टिफिन से कुछ ना कुछ चुरा कर खा जाती है, आज तक आप रोक पाए का उनको? नहीं ना, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सास का सूद लीजिए. एक नंबर की चटोरी है हमारी सासू माँ, वो नहीं सुधरने वाली है. बावली हो जाती है टिफिन का खुशबू सूंघ के. वो हमें कागज में भी लिख के दे देंगे ना चीते, कि आज के बाद हम आपका टिफिन चुरा कर नहीं खाएंगे. हम तब भी नहीं माँ. माँ टिफिन लेके आओ. अब ये करेगा बवाल. अब पुष्पा जी कभी भी हमारा टिफिन चुरा के नहीं खाएंगे, देखना. आज तो बहुत थक गए, भूख भी लगी है. अब क्या? टिफिन की खुशबू. करिश्मा जी का टिफिन. देख लेते चुड़ैल क्या लेकर आई है टिफिन में. गुजिया मायके से कलेवा आया है. मैडम चलिए, मैडम आपका मरने का इंतजार कर रही है उनके. चलिए चलिए मैडम. पुष्पा जी क्या हो गया आपको? बाप रे, देख ली ना कलेवा चोरी का अंजाम. लग गया बहू का अभिशाप आपको. क्या हो गया पुष्पा? हम पानी लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं. मुड़िए. पीका मैडम सिक्सर मार दी क्या? भैया पान मिलेगा? चलिया. सर छल तो हम रहे हैं अपनी टीम को. सर माफ कीजिए लेकिन हम थक चुके हैं झूठ बोल बोल के, नाटक कर करके, अपनी ही टीम पर शक करके. सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें इस जिम्मेदारी से फ्री कीजिए और हमें हमारी पुरानी पहचान वापस दीजिए. सर मैं ऐसे नहीं कर सकता हसीना मलिक. जब तक हम उस गद्दार तक पहुँच नहीं जाते मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद नहीं कर सकता. ठीक है सर, कब तक और करना होगा ये? मेरे ख्याल से हम उस शख्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं. इंटेलिजेंस को 26 जनवरी तक उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसने मीरा को ओवरराइड करके तुम पर जानलेवा हमला करवाया ताकि हार्ड डिस्क हासिल कर सके. तब तक हमें ड्रामा करते रहना होगा. ठीक है सर. पान खाओ. माफ कीजिए सर, हम पान नहीं खाते. उर्मिला खाती है. करिश्मा सिंह. हाँ सुनी, बोल कैसे याद किया मेरे को? तुम घर पर हो? हाँ हाँ मैं घर पर ही. किधर जाएगी तू? बाहर से ताला मार के गई ना, तो मैं भूतनी तो है नहीं जो चली जाएगी. घर पर ही. हाँ बस बहुत बढ़िया है. हमारे यहाँ भी हमें डीएसपी सर के ऑफिस चल. तुम कुछ खा रही हो का? अरे भूख लग रहा था ना मेरे को, और मेरे को मुंबई की याद आ रही थी तो मैं मस्त तो गर्मा गर्म बड़ा तल के खा रही हूँ. अच्छा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना. हमारे यहाँ तुमको लेने. ठीक है, और उसके बाद फिर अमीनाबाद लेके चलेगी ना घूमने को, बोली थी तो मेरे को. तैयार रहो, मार पहुँच रहे वहाँ पे. ठीक है. हाँ हाँ ठीक है ठीक है.
सुनो तुम हमारा बात, हम तुम्हें आखिरी बार। मैडम सर, सॉरी 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 सॉरी, अरे कितना बड़ा ऑफिस है, इसमें तो आपकी धारा भी आएगी। ठीक है, हम डीएसपी सर के ऑफिस इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनसे अनुरोध कर सकें कि साइबर डिपार्टमेंट जो है उन पे दबाव डाले। हाँ, और ये बोलती बंद, सुनो हमारा बात, बोलती बंद केस में थोड़ा गति बढ़ाए, इससे ज्यादा हमें कोई और बकवास नहीं करनी है, इधर उधर का कोई रायता नहीं फैलाना जिससे उनको शक हो कि तुम हसीना मैडम नहीं हो, समझ रहे हो ना हमारी बात को? ठीक है। अरे लेकिन मैं क्या क्या याद रखने का, वैसे माधरी ने मेरे को इतनी बड़ी स्पीच दी है याद रखने को, वो भी एकदम खल्लास उर्दू में। खालिस। हाँ वेरी गुड, अभी मैं वो भी याद रखूँ, ये तेरा सारा बातें भी याद रखूँ, क्या क्या करूँ मैं? तो तुमको जो वो 2000 रुपए रोज मिलते हैं वो तुम्हें वो पिट्ठू खेलने के लिए मिलते हैं, कुछ तो काम करोगी? आओ देख। ये चटक सा नहीं, पहली बात तो ये कि पिट्ठू नहीं लगोरी होता है, दूसरी बात ये कि वो बैठ के नहीं भाग के खेलते, और तीसरी बात ये कि एक बार बता दिया काहे के लिए रिपीट टेलीकास्ट करती, सब याद रहेगा मेरे को, टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। चल सुनो सुनो सुनो, एसएचओ हसीना मलिक जा रही है डीएसपी सर से मिलने। हाँ अभी बरोबर। साइबर पुलिस इतना तो जानने में कामयाब हो पाई है कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड हमारे लखनऊ शहर से ही ऑपरेट कर रहा है, पर अब इसके आगे क्या? अभी तक पुलिस अपराधी को पहचानने में सफल नहीं हो पाई है, तो अब आगे आपका इस केस में किस तरह से कार्रवाई करने का प्लान है? हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है, अपने तौर तरीके होते हैं अपराधियों तक पहुँचने के। आशा है इस केस में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पर कब तक श्रीमान, कब होगा ऐसा? जब बोलती बंद ऐप बहुत सी बहु बेटियों की अस्मत नील जाएगा तब? ये सुन, ये तेरा डीएसपी तो पहले से ही इतने प्रेशर में, अपन इस पे और प्रेशर डालेंगे ना तो इसका जो मटका है वो फूट जाएगा। मेरी बात मान, कट लेते इधर से, चल चल, चुपचाप खड़ी रहो तुम। जी देखिए, इस केस पर हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, वो बहुत मुस्तैदी से बहुत तेजी से इस केस पर काम कर रहे हैं। आपके बेस्ट ऑफिसर ने अभी तक इस केस में ऐसी कोई सफलता प्राप्त नहीं की है जिससे शहर को उन पर भरोसा हो जाए कि इस बोलती बंद ऐप का जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा जाएगा, तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? जबकि सब जानते हैं अपने 3 ऑफिसर्स की कार्य क्षमता से असंतुष्ट होकर आप उन्हें सस्पेंड कर दिया है, कौन इस केस को संभालेगा? कौन है ऐसा जिसके नाम पर आम जनता भरोसा कर सके? हम संभालेंगे सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.